कुछ महीने पहले टीवी एक्टर शक्ति अरोड़ा और उनकी मंगेतर एक्ट्रेस नेहा सक्सेना के ब्रेकअप की अफवाहें खूब उड़ी थी, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया के जरिए शक्ति और नेहा दोनों ने ही अपनी ब्रेकअप की खबरों को खारिज कर दिया था। और अब हाल ही में ये खबरें सामने आ रही थी कि नेहा और शक्ति इसी साल शादी कर सकते हैं। लेकिन अब नेहा के साथ शादी करने पर शक्ति ने बड़ी बात बोल दी है, जिससे इनके फैंस को तगड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, शक्ति ने कहा है कि वो अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। दरअसल ये बात शक्ति ने हाल ही में इंडोनेशिया से लौटने के बाद वेबसाइट बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कही। इंटरव्यू के दौरान जब शक्ति से नेहा के साथ रिलेशनशिप में होने और शादी पर सवाल किया गया, तो शक्ति ने इन दोनों ही सवालों का खुलकर जवाब दिया। पहले तो शक्ति ने साफ किया कि उनका और नेहा का कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था और वो दोनों आज भी एकदम साथ हैं। लेकिन जब इसके बाद शादी के प्लान के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, तो शक्ति ने कन्फेस किया कि वो और नेहा दोनों ही फिलहाल शादी करने के मूड में नहीं हैं। शक्ति का कहना है कि दोनों ही अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं और अभी इनकी शादी में काफी टाइम बाकी है। पर अगर बात करें शक्ति और नेहा की पहली मुलाकात की, तो इन दोनों की पहली मुलाकात स्टार प्लस के सीरियल तेरे लिए के सेट पर हुई थी, जिसके बाद दो साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनों ने चार साल पहले सगाई कर ली। बता दें कि 2016 में दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन डिमोनेटाइजेशन की वजह से दोनों को शादी को पोस्टपोन करना पड़ा और अब फिलहाल शक्ति का शादी करने का कोई प्लान नहीं है। अब देखते हैं कि फैंस को इनकी शादी की ये गुड न्यूज़ कब तक मिलती है।